आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर क्लास टीचर मिस अंबर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। जी के क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ नेम द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, हाउ मैनी डेज इन अ वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ये सब आपने याद करना है रोज़, ठीक है। रोज़ हम ऑनलाइन में भी इसे करते हैं और होमवर्क में भी। और फिर हम आ जाते हैं अपने शेप्स की तरफ, मैथ शेप, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये आपने अपनी जो मैं एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास रखवाती हूँ, जिसमें मैं आपको ये 4 शेप्स आप ड्रॉ करके उसमें कलर करते हैं, तो ये भी हम रोज़ करेंगे ताकि हमारी कलरिंग भी अच्छी हो जाए और हमें शेप्स नेम भी लर्न हो जाए। ओके, इन एंड आउट का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आपको, ठीक है। बॉडी पार्ट्स, इसमें हम हैंड, थंब, फिंगर, फिंगर नेल्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हेड, एयर, आई, हेयर। ओके, टेडी बियर, जो वहाँ पर पोएम्स हैं, ट्विंकल ट्विंकल, अब बुलाया मोटर कार, बिल्ली मैंने पाली है। तो ये हमारे पास 2 इंग्लिश और 2 उर्दू में है हमारे पास पोएम्स, ठीक है। तो हमें ये यूट्यूब से हम आप सर्च करें और विद एक्शन इसको। ओके, फिर हम आते हैं जानवरों के नाम, हाथी, बंदर, बकरी, ऊँट, शेर, जिराफा। इसे आपने बहुत अच्छे से देखना है, तस्वीरों को आपने गौर से देखना है। और फिर मैं आपसे पूछूंगी जानवर के नाम जब, तो आप मुझे पिक्चर देख के बताएंगे और मैं आपको कार्ड शो करूंगी, आप मुझे बताएंगे ये कौन सा जानवर है। ओके, फिर हम आते हैं इस्लामियात की बुक की तरफ। तो हम जो रोज़ हमारा सर्कल टाइम में हम पढ़ते हैं, पहला कलमा, जो हमारा टॉपिक है अल्लाह ताला, फिर उसके कुछ सवाल जवाब हैं, ये भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त की दुआ और सीढ़ियाँ उतरते वक्त की, ठीक है। तो ये हमने जो है रोज़ से याद करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम नए इस्लामियात में हम नए काम की तरफ आएंगे जो हम याद करेंगे। पहले ये सब हमें अच्छे से याद होना, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एक्टिविटी टाइम हमारा जो है उसमें हमें कुछ पेपर्स चाहिए होते हैं कलरफुल, फिर ग्लू स्टिक या ग्लू एंड 1 सीज़र, ठीक है। तो हमें जैसे कि अब हमने ये बनाया है, ब्राउन पेपर लिया हमने, उसे हमने कट किया, सर्कल कट किया हमने, क्लिप्स वगैरह हम जब इसे सबको इस तरह से कट कर लेंगे, फिर हम इसका ब्राउन पेपर का कोन शेप बनाएंगे और फिर इस तरह से पेस्ट करेंगे, तो हेल्प करेंगे आपके पेरेंट्स आपकी और ये एक्टिविटी आपकी, ठीक है। आपने पेस्टिंग करनी है और इन्जॉय करना है इस टाइम को, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्लास का होमवर्क की तरफ। तो नंबर कॉन्सेप्ट बुक पेज नंबर इज़ 15, 16, ये आपका क्लास वर्क था, ठीक है। काउंट एंड मैच टू द करेक्ट नंबर, इसमें आपने ऑब्जेक्ट देखने हैं, हमारे पास क्या पिक्चर्स हैं और उसे हमने मैच करना है नंबर्स के साथ। ओके, टेक आउट योर मैथ कॉपी, पेज नंबर इज 9 एंड 11, ये हमने क्लास में कर किया था। पेज नंबर इज 10, 12 एंड 13, ये हमने मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो नीट एंड क्लीन कलर एंड ट्रेसिंग करनी है। मेरी उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 8, पढ़िए और याद कीजिए, बे से बंदर, बे से बल्ला, बे से बाल्टी, बे से बकरी, बे से बैंगन, बे से बत्तख, बे से बिल्ली, बे से पस्ता। ये क्लास वर्क प्लस होमवर्क इसलिए मैंने लिखा है कि हमने ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया से, और यही मैंने आपको होमवर्क भी दिए कि आपने इसे अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। फिर हम आते हैं क्लास वर्क जो हम कर चुके हैं, सफ़ा नंबर 9 बे से बिल्ली, और सफ़ा नंबर 11, सफ़ा नंबर 13। अब आपने क्या करना है, हरूफ सही हरूफ को जो आपने तस्वीर से मिलाना है। अब मैं आपको इसके लिए एक आइडिया ऐसे दूंगी कि आपने पहले अलिफ़ का पेज आप सफ़ा खोलेंगे, उसमें सफ़ा नंबर 1 में अलिफ़ से बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई, ठीक है। तो बच्चे ने वहाँ से इसको देखना है कि अंगूर,
तो अंगूर किससे आता है? अलिफ से। फिर आप बे के सफ़ा बे में आएं और वहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सी पिक्चर और यहाँ कौन सी है, और बे से क्या आता है, बे से बिल्ली। तो बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे ताकि फिर उनको इंशाल्लाह आगे वो फिर खुद ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फिर हम आते हैं अपनी उर्दू की कॉपी की तरफ। सफ़ा नंबर 11, बे से बंदर, बे से बल्ला। हरूफ के साथ तस्वीर का नाम लीजिए और रंग भरे। हम जब भी कोई काम करेंगे तो हमने हरूफ को या नंबर को या लेटर को हमने लर्न करते जाना है साथ साथ, तो फिर हमें वो याद भी हो जाएगा और हम अच्छे से काम भी कर लेंगे, ठीक है। फिर सफ़ा नंबर 12 और 13, ये सफ़ा नंबर 11, 12 और 13, ये है आपका होमवर्क। तो इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों का पहले होमवर्क चेक करूँगी, आप लोगों से पूछूँगी जो आपने याद किया है, जो मैंने आपको क्लास होमवर्क दिया है, फिर हम नए काम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।